बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्त सफल चोरी को अंजाम देना भी एक कला है और छात्र चोर इसे बड़ी ही सावधानीपूर्ण तरीके से अंजाम भी देते हैं ताकि वो पकड़े जाने से बच सकें। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भाई नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी किसी जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हम आपको पहले पार्ट में दिखा भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों चोरी करते समय चोर कुछ ऐसी पूरी चोर बिरादरी पर दाग लगा देते हैं। वेल दोस्तों, इन चोरों की हरकतें देखकर भाई साहब आपका जो पेट है ना वो हंसते हंसते दुखने लग जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से डंबेस्ट थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। कोई शादियां भारतीय लोगों के लिए दोस्तों किसी त्योहार से कम नहीं होती है, क्योंकि शादी के पावन मौके पर हमारे परिवार वालों के साथ साथ हमारे जान पहचान वाले लोग भी आते हैं, जिस वजह से शादी में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ का फायदा उठाने के लिए चोर चक्के भी चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों का ध्यान इन चोरों पर नहीं जाता भाई, और चोर इसी बात का फायदा उठाकर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे डालते हैं। ऐसे ही नजारा दोस्तों सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिला। पहली नजर में देखने पर आपको सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस ब्लैक शर्ट पहने शख्स की नजर कुछ चोरी करने की है। सभी लोग शादी में एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने में व्यस्त थे और इसी का फायदा उठाया इस चोर ने। इस शख्स को जैसे ही मौका मिला वैसे ही कुर्सियों के पास जाकर वहाँ की कुछ थैलियाँ उठाता है और तबे पाओ वहाँ से भाई चोरी चुप्पे निकल जाता है, जिससे ऐसा लगे कि भाई जैसे ये बैग इसी का है। ये चोर दोस्तों इतनी सफाई के संग चोरी करता है कि वहाँ खड़े लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो इस जनाब की ये करतूत भाई सामने आई। मार्च 2021 के दौरान उत्तराखंड के किसी स्टोर से रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में दोस्तों देखा गया कि एक मोहतरमा को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। दरअसल ये मोहतरमा यहाँ पर चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। इसके बाद जब पुरानी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो पता चला कि ये मोहतरमा इससे पहले भी कई दफा दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी थी और इसकी अच्छी किस्मत के चलते अब तक ये पकड़ में नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों इस बार मोहतरमा की किस्मत इनके साथ नहीं थी और ये दुकानदार के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद दुकानदार ने इस मोहतरमा की तलाशी ली और बड़ी ही शिद्दत के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। खैर इन मोहतरमा को आज इनके लालच का फल मिल गया। और भी परसों नहीं, नहीं आपकी परसों की वीडियो भी दिखाते हैं। आप पहले आई थी, अभी उसका पूरा पेमेंट करके जाएंगे आप। अभी दोस्तों चोर अक्सर भीड़ का फायदा उठाकर ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे कि भाई इन मैडम ने किया। इन्होंने भीड़ का फायदा उठाया, ये काउंटर के पास जाती हैं और पास में खड़ी महिला की नजर में आए बिना उसके पर्स की चेन खोल देती हैं और दुकानदार के साथ बात करने लग जाती हैं। इसके बाद इन मैडम ने बड़ी ही चतुराई और सावधानी पूर्ण तरीके से उसके पर्स में से छोटा सा पर्स निकाल लिया और पैसे अंदर रखने के बहाने उस पर्स को हथिया लिया। दोस्तों तक आपने कार चुराने वाले कई चोर देखे होंगे, लेकिन अब जरा पाकिस्तान के इन चोरों पर भी आप एक नजर डालिए, जिन्हें गाड़ी चुराने से ज्यादा इसके साइड मिरर चुराने में ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले एक गाड़ी को निशाना बनाते हैं, उसके बाद मौका देखकर उसके साइड मिरर को ही ले उड़ते हैं। ऐसे ही वाक्य दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला, जब दो चोर बाइक को लेकर आते हैं और पास में खड़ी गाड़ी के पास अपनी बाइक रोककर जैसे ही उसको साइड मिरर तोड़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही कार के मालिक को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद पिता और पुत्र भागते हुए आते हैं और उन दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इन चोरों के संग क्या हुआ होगा वो तो आप भली भांति समझते ही हैं। इस मामले में भारत या पाकिस्तान दोनों का रिवाज भाई एक जैसा ही है। जब तक भाई साहब इनकी आवभगत हो रही है तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाल, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। दोस्तों जरा घूमने के बहाने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए निकले इस चोर जनाब से भी आप मिल लीजिए। गाड़ी चोरी करने के लिए जनाब पहले इधर उधर घूमकर देखते हैं, तभी इनकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है। इसके बाद ये जनाब इस पत्थर को उठा लाते हैं और इस गाड़ी पर फेंक के मारते हैं, लेकिन इनका बैड लक देखिए, जैसे ही इस आदमी ने भाई इस पत्थर को गाड़ी पर फेंका वैसे ही गाड़ी के शीशे से टकराने के बाद ये पत्थर इसकी ही ओर आता है और जनाब की बत्ती सी तोड़ देता है। इसके बाद जनाब यहाँ से भाई ऐसे भागते हैं जैसे पुरानी फिल्मों में हीरोइन हीरो को देखकर शर्मा कर भाग जाती है। इस घटना के बाद इन जनाब को भाई ये बात समझ में आ गई होगी कि चोरी करना इनके बस की बात नहीं है। क्यों रे, चोर बनेगा तू है? दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी कि चोरों में ना तो कोई दया होती है और ना ही उनमें दिल होता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो रुकिए जरा, जी हाँ, क्योंकि जब आप इस क्लिप को देखेंगे ना उसको देखने के बाद चोरों के प्रति आपका रवैया थोड़ा बहुत तो वही जरूर बदल जाएगा। दरअसल जून 2020 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी घटना घटी जिसको देखकर हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। वीडियो में देखा गया कि डिलीवरी बॉय घर में खाना डिलीवर करने के बाद अपनी बाइक के पास आता है, लेकिन तभी मास्क पहने बाइक सवार दो आदमी आते हैं और इस शख्स के पास से चोरी करने लग जाते हैं। इस घटना के कुछ देर बाद ये चोर डिलीवरी बॉय के साथ बातचीत करने लग जाता है। इसके बाद डिलीवरी बॉय रोने लग जाता है,
डिलीवरी बॉय को रोता देख भाई उन चोरों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो दोनों उस डिलीवरी बॉय को उसका कीमती सामान लौटा देते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, भाई चुप हो जा, इमोशनल कर दिया तूने, और उसके बाद भी उससे हाथ मिलाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यार मेरा तो कसम से रो रो के बुरा हाल हो गया। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ठपाक से कमेंट डालो। अक्टूबर 2020 के दौरान एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग एक मॉल में घुसती है और अपना जरूरी सामान लेने के लिए जैसे ही मॉल में थोड़ा अंदर जाती है वैसे ही मोहतरमा ने मौका देखकर वहां रखे सामान को अपने कपड़ों में छुपाना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक एक करके मैडम ने टोटल 6 आइटम को अपने कपड़ों में छुपा लिया। वाकई मिस टैलेंट को हम सलाम करते हैं, लेकिन बेचारी की बदकिस्मती तो देखिए, काउंटर पर बैठा दुकानदार उसकी सारी हरकतों को सीसीटीवी के जरिए देख रहा था। इसके बाद काउंटर पर इन दोनों को धर दबोच लिया गया और गाजे बाजे के संग ससुराल भेज दिया गया। ससुराल जानते ना, हाँ वही। दोस्तों चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या आदमी और क्या औरत, जिसे मौका मिल जाए भाई वही इस घटना को अंजाम दे देता है। ये अगला वीडियो दोस्तों किसी सुपरमार्केट का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक मैडम सामान ले रही थी और इनके पास है मौजूद लड़का कुछ सामान चुराने के फिराक में था। इस शख्स का मेन टारगेट इस महिला का पर्स चुराना था। इसके लिए 2-3 बार ये कोशिश तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद ये पास में ही मौजूद सामान की थैली को नीचे गिरा देता है और उस मैडम को इशारा करता है और फिर वो मैडम जैसे ही थैली को ऊपर रखने के लिए वहां से हटती है वैसे ही इस लड़के ने भाई मौका देखकर उस महिला का पर्स चुरा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। खैर अब सोचने वाली बात तो ये कि जो मैडम है ये मतलब पेमेंट कैसे करेंगी। अगर आप ऐसी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं दोस्तों तो जरा नहीं बल्कि आप बहुत सावधान रहें। क्या पता भाई अगला नंबर आप ही का लग जाए। नहीं मतलब मैं ऐसी दुआ करूंगा ना लगे, लेकिन फिर भी सावधान रहिए। दोस्तों हम आए दिन ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर हम धोखा खा जाते हैं। दोस्तों वो चोर होते हैं और मौका मिलते ही अपना असली रूप दिखा देते हैं। न्यूयॉर्क में घटित ये घटना हर किसी को चौंका कर रख देगी। वीडियो में ऐसा देखा गया है कि एक शख्स एक ट्रक के पास में काफी समय से इधर उधर घूम रहा था। इसके बाद जैसे ही इस आदमी को मौका मिलता है वैसे ही ये ट्रक में रखी एक बाल्टी को ले उड़ता है। इस आदमी को मौका मिल गया दोस्तों क्योंकि इस ट्रक का ड्राइवर किसी काम की वजह से वहां मौजूद नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों उस बाल्टी को चुराने में उस चोर का मतलब क्या फायदा, तो हम आपको बता दें वो बाल्टी दोस्तों खाली नहीं थी बल्कि उसमें कई मिलियन डॉलर्स का सोना था। जी हाँ, गोल्ड था। जनाब ने मौका मिलते ही भाई करोड़ों का चूना लगा डाला। मैं तो कहूंगा इस दुनिया में शरीफ सिर्फ पान वाला है जो चूना आपसे पूछ के लगाता है, भाई जब लगाना ही नहीं लगाना, वरना बाकी तो मौका देखते ही लगा देते हैं। जहाँ दोस्तों कुछ लोग लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, वहीं जनाब ने रोड पर चलते चलते मात्र कुछ ही पलों में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला। जब दूसरी सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स को देखा गया तो ये इस बकेट को लेकर ऐसे जा रहा था मानो ये इसकी खुद की ही हो और ये पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। ये जनाब तो वाकई में सच में बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, जिन्होंने चलते चलते इतना बड़ा हाथ मार दिया। दोस्तों जरा किसी ग्रोसरी मॉल में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप पर भी आप नजर मार लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक मोहतरमा कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आती है। वहाँ पड़े सामान को देखकर भाई मैडम का जो मन है वो फिर जाता है और वहाँ पर वो चोरी करने लग जाती है। मैडम की ऐसी हरकतें देखकर दुकानदार इमरजेंसी अलार्म चालू करके दुकान के दरवाजों को बंद कर देता है ताकि इसे पुलिस के हवाले किया जा सके। लेकिन भैया मैडम का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और उसने दुकान में रखे सामान को तहस नहस करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। मैडम की यह सारी करतूत पास में खड़ा शख्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गुस्सा भाई से बनाने वाले को ही सबसे पहले खाता है, और ऐसा ही इन मैडम के संग हुआ। इस वजह से चोरी के साथ साथ इस पर एक और केस हो गया। क्या चोर नहीं बनेगी ऋतु? दोस्तों अगला वीडियो आपका हैरान कम बल्कि हंसाने का मौका ज्यादा देगा। जी हाँ, इस वीडियो में ऐसा देखा गया एक दर्जन चोर मिलकर भी गेट पर लगे ताले को तोड़ नहीं पाए। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने के लिए इन चोरों ने भरसक प्रयास किए। इसके लिए इन्होंने कभी इस पर लोहे के डंडे से वार किया तो कभी ईंट या पत्थर से वार किया, लेकिन भाई इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी इस किस्मत को देखकर मानो ताला खुद कह रहा हो, अरे भाई मुझे तो नोकिया वालों ने बनाया है। इसके बाद अब इनका ध्यान उस ताले से हटा तो भाई इन्हें पता चला कि उनकी बेइज्जती के साथ साथ इनमें से कुछ के चेहरे भी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं। काश ऐसा ताला हर कोई कंपनी बना पाती। दोस्तों अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि चोर एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद एक सफल चोरी को अंजाम देते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविकता तो भाई इससे कोसों दूर है, क्योंकि कई मंदबुद्धि चोर चोरी करने के लिए निकल तो जाते हैं लेकिन वो पूरी चोर बिरादरी को भैया बदनाम कर देते हैं। ज्यादातर चोरियां एटीएम में की जाती हैं और चोर उस मशीन को तोड़कर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। लगता है कि भाई इस जनाब का दिमाग तो घुटनों में है, क्योंकि इसने सबसे पहले दिन दहाड़े एक एटीएम को ही उखाड़ लिया। उसके बाद अपने दिमाग का परचम लहराने के लिए वो इसे पब्लिक प्लेस पर लेकर आ जाता है
लेकिन ये जनाब यहाँ पर भी नहीं रुके और इस एटीएम मशीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ाने की कोशिश करते हैं ये। लेकिन बेचारे की बदकिस्मती के चलते उस बस ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर दिया और इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जी हाँ। अब जरा दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे इस क्लिप पर भी आप नजर मार लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक मैडम अपने पति के साथ एक ज्वेलरी शॉप में आती है और दुकानदार को कुछ आभूषण दिखाने के लिए कहती है। जब दुकानदार बेचारा ज्वेलरी दिखा रहा होता है, तभी मैडम अपने साथ लाए गिफ्ट बॉक्स को काउंटर पर रख देती है और फिर मौका मिलने के बाद गिफ्ट बॉक्स को पास ही रखे ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर रख देती है और दुकानदार के साथ बातचीत में लग जाती है। इसके बाद मैडम दुकानदार को कोई दूसरा आइटम दिखाने के लिए कहती है। इसके बाद जैसे ही दुकानदार पीछे मुड़ता है, वैसे ही मैडम ने भाई मौका देखकर अपने गिफ्ट बॉक्स को उस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर रखकर कुछ इस तरह से घुमाया कि गिफ्ट बॉक्स उस बॉक्स के ऊपर पूरी तरह से सेट हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट बॉक्स नीचे से खुला हुआ होता है। ये दोनों अब तक भाई अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद मोहतरमा दुकानदार को ये बोलती कि हमें ज्वेलरी ना पसंद नहीं आई, ऐसा वो कहती है और उस बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाती है। वो दोनों ऐसा सोच रहे होते हैं कि भाई हम कामयाब हो गए, लेकिन दोनों कबल इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि दुकानदार को उनकी इस हरकत के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद जैसे ही लड़की को इस बारे में पता चलता है कि उनकी चोरी भाई पकड़ी गई, तो वो बॉक्स को अपने साथी को थमा देती है और वहां से भाग जाती है और इसके साथी को दुकानदार का पालतू डॉग पकड़ लेता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच है, तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बाकी दूसरी वीडियोस की तरह ही ये वीडियो भी फेक है। जी हाँ, जिसे केवल मजाक या मस्ती के लिए इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, लेकिन लोगों ने गलत जानकारी या फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वैसे दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने मन आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी आपको ये वीडियो क्लिप्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज ये भी लिखेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बड़ी जान।